हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजीव शिवारे, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। आज आपसे बच्चों की एक और समस्या के बारे में बात करूंगा। बहुत बार पेरेंट्स ओपीडी में आते हैं, उनकी कंप्लेंट होती है कि बच्चा ऊटपटांग चीज़ें मुंह में डालते रहता है। कई पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा कागज़ के टुकड़े को मुंह में डालता है, कई बच्चे कपड़े को मुंह में लेके चूसते रहते हैं, कई बच्चे दीवार की पपड़ी नोच नोच के खाते हैं, कई बच्चे सीमेंट गिट्टी मिट्टी रेत ये सब मुंह में डालते हैं, ये सब चबाते रहते हैं। तो पेरेंट्स का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि आखिर बच्चा ये इस टाइप की ऊटपटांग चीजें मुंह में क्यों डाल रहा है। बहुत समय से ऐसा चल रहा है लेकिन बच्चा ठीक नहीं हो रहा है। क्या बच्चे के पेट में कीड़े हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है कि बच्चे में एक खास पोषक तत्व की कमी है जिसके कारण से बच्चा ऊटपटांग चीजें मुंह में डालता है, और वो पोषक तत्व है आयरन, जिसे लौह तत्व बोलते हैं। बच्चे को आयरन की कमी होने के कारण से ये सब ऊटपटांग चीजें, मिट्टी गिट्टी पत्थर दीवार की पपड़ी चूना चौक ये सब चीजें खाने का मन होता है। तो बच्चे माँ बाप बोलते हैं कि बच्चों को कीड़े तो नहीं हैं। बिल्कुल, जब बच्चा ये सब ऊटपटांग चीजें मुंह में डालेगा, गंदी गंदी चीजें मुंह में डालेगा, तो गंदगी जब पेट में जाएगी तो पेट में कीड़े होंगे। अब जब पेट में कीड़े होंगे तो बच्चा जो भी कुछ खाना पीना खाएगा उसके जो पोषक तत्व निकलेंगे, जूस जो बनेगा आंतों में, उसमें से जो आयरन विटामिन्स मिनरल्स हैं वो कीड़े खा जाएंगे, तो बच्चे को और कमी होगी। तो बच्चे को आयरन की कमी होती जा रही है। बच्चे को आयरन की कमी होने से गंदी चीजें मुंह में डाल रहा है, मिट्टी गिट्टी ये सब मुंह में डाल रहा है, गंदा चीज खाने से पेट में कीड़े हो रहे हैं, पेट में कीड़े होने से फिर आयरन की कमी हो रही है, और आयरन की कमी होने से फिर बच्चा गंदगी खा रहा है। तो ये गड़बड़ साइकिल जो है ये चलती जा रही है। तो ये साइकिल को हमको ब्रेक करना पड़ेगा। तो बच्चे ये सब खा रहे हैं क्योंकि उसको डाइट में आयरन वाली चीजें नहीं मिल रही हैं, आयरन रिच डाइट नहीं मिल रहे। तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम ये जो होती है बच्चों में, उन बच्चों को ज्यादा होती है जिनके माँ बाप बच्चों को खूब दूध पिलाते हैं। गाय भैंस का दूध दिन भर में 1-1.5 लीटर दूध पिला रहे हैं, तो दूध ज्यादा देने से दूध में आयरन नहीं रहता है, तो दूध से पेट भर जाता है। तो बच्चा जो नॉर्मल चीजें हैं, जो खाने की जो नॉर्मल चीजें हैं जिनमें पोषक तत्व अच्छे हैं, आयरन है, विटामिन मिनरल्स हैं, बच्चा वो नहीं खाता है। तो आयरन नहीं मिलता है जिससे हीमोग्लोबिन कम होता है। तो हीमोग्लोबिन कम होने के कारण से बच्चा ये सब ऊटपटांग चीजें मुंह में डाल रहा है। तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज है हमें अपने बच्चों की डाइट को सुधारना। अब प्रश्न उठता है कि ऐसी कौन सी चीजें दें जिससे बच्चों को डाइट में आयरन मिले। कई लोग बोलेंगे कि भाई आप चुकंदर खिलाओ, कई लोग बोलेंगे कि भाजी खिलाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स खिलाओ, लेकिन आप एक चीज सोचिए कि क्या बच्चा आपका चुकंदर जैसा बेस्वाद फल खा पाएगा या भाजी वगैरह कुछ खा पाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप बच्चे को जो नॉर्मल रूटीन की डाइट है, दाल चावल रोटी सब्जी, ये सही तरीके से खिलाइए। दूध को कम कर दीजिए। दूध कम करेंगे तो बच्चे को अपने आप भूख लगेगी, भूख लगेगी तो बच्चे को नॉर्मल डाइट देना है। दाल में बहुत अच्छा आयरन है, रोटी में चपाती में अच्छा आयरन है, और फ्रूट्स फल वेजिटेबल्स तो सब खाते ही हैं। जो घर में आपके लिए खाना बनता है वो बच्चों को सबको देना है, और आयरन आप देना चाहते हैं तो यदि नॉन वेजिटेरियन हैं आप, नॉन वेज खाते हैं, तो एग खिलाइए, चिकन खिला लीजिए, फिश खिलाइए। तो ये सब चीज़ें डाइट में शामिल करेंगे बच्चों के तो आयरन मिलेगा। वेजिटेरियन लोगों के लिए दाल रोटी सब्जी ये बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि दूध को कम करें,
दूध कम करेंगे तो बच्चे की डाइट अपने आप बढ़ेगी, डाइट बढ़ेगी तो बच्चा ये सब चीज़ें जिनमें आयरन ज़्यादा मात्रा में है उनको खाना चालू करेगा। तो आयरन सप्लीमेंट देंगे तो धीरे धीरे बच्चे का जो ये सब गंदी चीज़ें मुंह में डालने की हैबिट है ये छूट जाएगी। दूसरा चीज़, आप अपने कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन किसी से भी एक बार संपर्क जरूर कीजिए, जिससे कीड़े की दवाई डॉक्टर की सलाह के अनुसार डोज उसका जो फिक्स्ड है वो डॉक्टर आपको बताएंगे, उस डोज के हिसाब से कृमि की दवाई जरूर खिलाइए, पेट में कीड़े खत्म होंगे। तो फिर बच्चा जो आयरन वाला डाइट खाएगा तो वो प्रॉपर मात्रा में आंतों से शरीर के अंदर एब्जॉर्ब होके जाएगा और उस आयरन का उपयोग शरीर खून बनाने में करेगा, हीमोग्लोबिन बनाने में करेगा। तो मेरा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि माँ बाप को समझाना कि आयरन वाली डाइट अपने को बच्चों को देना है, और हीमोग्लोबिन कम होने से, आयरन कम होने से बच्चों का IQ लेवल भी कम हो जाता है, बच्चों का बुद्धि का विकास भी कम होता है। जिन बच्चों का आयरन अच्छा है, हीमोग्लोबिन अच्छा है, उनकी बॉडी फुल पोटेंशियल में काम करेगी, तो उनका एक्टिविटी भी अच्छा रहता है, उनका ब्रेन का डेवलपमेंट भी अच्छा रहता है, उनका फिजिकल फिटनेस भी अच्छी रहती है। तो आयरन से बहुत सारे काम होते हैं, और इंडिया में 90% बच्चों का हीमोग्लोबिन कम रहता है, 10 ग्राम, 9 ग्राम, 8 ग्राम। कई बार बच्चे आते हैं जो बहुत ज़्यादा मिल्क का इंटेक करते हैं, जिनके माँ बाप बहुत ज़्यादा दूध पिलाते हैं, उनका हीमोग्लोबिन तो 4-5 ग्राम तक भी रहता है। तो प्लीज़ बच्चों को हेल्दी डाइट दीजिए, नॉर्मल डाइट जो हम खाते हैं वही, उसी डाइट में आयरन पर्याप्त मात्रा में, वही डाइट अपने को खिलाना है, कोई कुछ हटके नहीं खिलाना है। धन्यवाद।